स्टारबक्स की कॉफी पीने तो हर कोई जाता है, पर आज हम स्टारबक्स को ही अपने घर लेकर आने वाले थे। आइए आपको दिखाती हूँ कैसे। तो मैं आई थी स्टारबक्स आंटी के स्टोर पर। एंटर करते ही मैंने पूछा कि मुझे कॉफी की पैकिंग्स चाहिए, और वहाँ मुझे इतनी वैरायटी दिखी तो कंफ्यूज। अगर मैंने किया अकड़ बकड़ बम्बे बो, और इसका प्राइस था 1100। नॉट बैड यार, इतने पैसे तो जब 2% स्टारबक्स की कॉफी पीने आते हैं तो एक दिन में ही लग जाते हैं, और मैं इस पैकेट से न जाने कितनी बार कॉफी पी सकती थी। तो यहाँ मेरे हाथ में थे इसके 2 पैकेट्स, जिसे देखकर मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मुझे कौन सा पैकेट लेना चाहिए। आप लोग ही कमेंट करके बताओ गाइस कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। स्टिल मेरी कंफ्यूजन दूर नहीं हुई, तो मैंने यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स से ही पूछ लिया कि विच वन इज गुड। तो इन्होंने मुझे केन्या वाला सजेस्ट किया, क्योंकि वो लाइट कॉफी थी, इतनी डार्क नहीं थी, और मैं वही पीती हूँ। सो मैंने यही लेना ठीक समझा, और साथ ही मुझे इसकी स्मॉल पैकिंग नजर आई जो कि बहुत सही लग रही थी, और इसका प्राइस भी 500 कुछ था, और ये 100 ग्राम थी। तो मुझे लगा कि फर्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैंने स्मॉल पैकिंग लेना ही ठीक समझा। क्रिसमस इज नियर बाय गाइस, तो क्रिसमस रिगार्डिंग भी काफी न्यू पैकिंग्स आई हुई थी। एंड दिस, हाउ क्यूट दिस कप इज, जो परफेक्टली मुझे मैच कर रहा था। और मैंने ये लेने का सोच ही लिया था कि सुमेश ने मुझे सॉफ्ट सॉफ्ट मना कर दिया कि तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी तुम्हारे पास बहुत सारे कप्स हैं। और यहाँ मेरा दिल टूट गया। यहाँ की क्रोकरी भी काफी कूल होती है गाइस, काफी न्यू आर्टिकल्स एड ऑन थे बिकॉज ऑफ दिस क्रिसमस मंथ। हाँ, थोड़ा ओवर एक्सपेंसिव तो होता है। ये छोटू सा कप यहाँ पर 2500 का था, एंड दिस बॉटल वाज आल्सो सो क्यूट, और ये भी अप्रोक्स 3000 के करीब थी। बट मैं अब ये सब चीजें शादी के बाद ही कलेक्ट करूंगी, जब मेरे पास प्रॉपर प्लेस होगा इन सब चीजों को शो ऑफ करने के लिए। देन सुमेश मेरी ली हुई कॉफी की बिलिंग करवा रहे थे, और ये कॉफी बीन्स की शेप में थी, तो मैंने इनसे कहकर इसको बारीक पिसवा लिया, जो इन्होंने इस मशीन में डालकर किया। एंड आई एम सो हैप्पी कि फाइनली हम स्टारबक्स आंटी को अपने घर लेकर जा रहे थे। और यहाँ सुमू एंड हर्ष ने अपनी कॉफी ऑर्डर कर दी थी। सुमू ने कप पर सुप्पू लिखवाया था। हाउ स्वीट, नाउ एज माय नेम इज इंक्लूडेड, तो मैंने भी कॉफी पी ली। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, आई एम एक्साइटेड, जब घर जाकर मैं ये कॉफी बनाऊंगी तो ये कैसी बनेगी वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में जरूर बताऊंगी। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस, बाय।